अमीर रिच टेंपल के अंदर। और वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सुबह सुबह ग्रीनरी देखने को मिल जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है। सभी दोस्तों को नमस्कार जी, मेरा नाम है मनिंदर, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मनी बैकपैकर। तो अभी मैं हूँ त्रिवेंद्रम से 5 किलोमीटर पीछे, जस्ट 5 किलोमीटर ही है, और त्रिवेंद्रम शहर आज हम घूमेंगे बड़े मज़े से, क्योंकि आज का दिन अपना पास सारा दिन है और आज हमने 30 से 40 किलोमीटर तय करना है, वो भी शाम को 4-5 बजे तय करेंगे। क्योंकि त्रिवेंद्रम के अंदर घूमने के लिए एक तो 17वीं शताब्दी का पुराना, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, वो देखना है। बाकी आसपास में शहर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी मोटी मोटी सी, बहुत घूम लेंगे। जहाँ पर अभी मैं हूँ वेली के अंदर, और इधर में एक टूरिस्ट विलेज बना हुआ है, तो एक लेक बनाई हुई है, एक बीच बनाई हुई है, बाकी पार्क पुर्क्स हैं छोटे मोटे, तो वो देखते हुए हम त्रिवेंद्रम की ओर निकलेंगे। त्रिवेंद्रम आपको पता ही है यार, केरला की राजधानी है। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई कि इन्होंने राजधानी भाई इतने कॉर्नर पे बनाई है ना, कि उसके बाद सारा ही तमिलनाडु शुरू हो जाता, पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, केरला हमने घूम लिया है और अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा केरला शहर के अंदर। फिलहाल रात हमने कपड़े अपने सारे धोए थे यार, अभी तक सूखे नहीं हैं, और पहले तो मैंने नीचे डाले हुए थे रोप के ऊपर, फिर मैं इधर ऊपर ले आया, मैं कहा चल पंखा चल रहा है मज़े से, इधर सूख जाएंगे आधे एक घंटे में। सुबह का समय अभी हुआ है जी 9 और 10, 10:30 बजे तक हम इंतज़ार करते हैं, अपने कपड़े जैसे ही हल्के फुल्के से सूख जाएंगे वैसे ही हम बैग के अंदर डाल लेंगे। तो वो है सामने यार यूथ हॉस्टल जहाँ पर हम रात रुके थे, और अभी फाइनली निकल के आ चुके हैं। कपड़े अपने हल्के हल्के से सूख चुके हैं, हल्के हल्के से रह गए हैं, क्योंकि आज धूप भी निकली नहीं है और पंखे से आपको पता है वो चीज़ बनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, कहीं रास्ते पे बैठे बूठेंगे धूप के अंदर तो उधर सुखा ही देंगे। फिलहाल अभी चले हम टेंपल की ओर, इधर में बहुत बड़ा टेंपल है, तो वो दर्शन करते हैं भगवान के। उधर में विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है, एंड दर्शन करते हैं, आपको ही करवाते हैं, एंड देखते हैं क्या करते हैं आज के दिन। पेश है अपना गर्मा गर्म भोजन एज यूजुअल, जो हर रोज होता है। इधर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हुए इन्होंने है ना हर पॉइंट पे, हर एक पेट्रोल पंप पे उसको चार्ज करने के लिए पॉइंट्स लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और फिलहाल ये पूरी है ना मेट्रो सिटी है, और जैसे राजधानी है यार केरला की, तो ज़्यादा क्राउडेड भी है और पूरी वेल मेंटेन्ड रखी गई है। स्वागत है दोस्तों आपका दुनिया के सबसे अमीर रिच टेंपल के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत टेंपल बना हुआ है यार। अभी अभी जस्ट मैं ना दर्शन करके आया हूँ अंदर से भगवान जी के, और भाई रूह खुश हो गई मेरी है ना, सुकून मिल गया। विष्णु भगवान जी का ये मंदिर बना हुआ है, मैं कहता हूँ मतलब एक्सप्लेन करने को नहीं है ना, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को यार। अंदर जाकर आया मैं, ये टेंपल मैंने कभी है ना मूवीज़ में या सिर्फ YouTube पे वीडियोस पे देखा था, बट जब सामने देखने का मौका मिलता है तब एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग इसके अंदर अलाउड हैं जाने, एंड धोती पहन के जाना पड़ता है। तो अपन दर्शन करके आ चुका है, फ़ोन अंदर कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है यार, वॉलेट तक अलाउड नहीं है। तो हम बाहर क्लॉक रूम में जमा करवा के गए थे, अभी स्पेशल दोबारा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ नहीं तो मैं पिछले गेट से निकल गया था। ओहो भाई दिल खुश हो गया यार, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, अंदर भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने मज़े से दर्शन कर लिए भाई भगवान के। एंड अच्छा है, रूह को सुकून देती है, एक ऐसी प्लेस है विष्णु भगवान का मंदिर है, और अलग अलग जो दीवारों पे चित्रकारियाँ की गई हैं, खूबसूरत सा मंदिर है यार। और ये 17वीं शताब्दी के अंदर किसी राजा के द्वारा रीबिल्ड किया गया था। वैसे तो ये 2nd BC के पता नहीं AD के अंदर ये बनाया गया था। मंदिर के बाहर ये एक छोटी सी मार्केट भी देखने के लिए मिल जाती है, एंड सामने मेन दरबार है, तो बड़ा अच्छा लगा यार, एक अलग ही तरह की एनर्जी थी। तो मंदिर के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का, बिल्कुल हूबहू इस तरह की अंदर में तस्वीर बनी हुई है। 3 दरबार है और तीनों में अलग अलग रूप है दिखते हैं, तो देख सकते हो यार कुछ इस तरह का, बिल्कुल सेम सेम ऐसा है, बिल्कुल सोने कलर की अंदर में मूर्ति बनी है सुनहरे कलर की, तो अच्छा है माहौल।
जब से मैं घर से निकला था ना घूमने के लिए, मतलब ये वाला मंदिर और एक जो हमने गोकर्णा में देखा था, ये अपने लिस्ट में रखे ही हुए थे भाई, क्योंकि ये वाला मंदिर है ना बहुत समय तक न्यूज़ में चर्चा में भी रहा है। और पीछे से इसमें क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े बक्से मिले हैं जहाँ पर बहुत सारा सोना निकला है भाई। तो एक दो तो उन्होंने खोल दिए, अभी बाकी खोलने की भी इनकी चल रही है, मतलब सरकार गुजारिश कर रही थी कि खोल दे, बट पता नहीं कि वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जिन राजा ने ये दोबारा रीबिल्ड करवाया था है ना, रेनोवेट करवाया था, उनकी फैमिली अभी भी जिंदा है भाई, रॉयल फैमिली है, तो उनके ही अंडर है जो ये सारा चलता है। जब भी कोई बड़ा समागम होता है मंदिर के अंदर, बड़ी पूजा होती है, तो मतलब सबसे पहले उनको याद किया जाता है और वही मतलब पहली पूजा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंदिर को लेकर यार, एंड अच्छा है, अच्छा लगा यार, बस अपने को अच्छा लगा, बाकी बातें तो क्या ही है ना। ठीक है, मंदिर के बाहर एक ये तालाब भी बना हुआ है, खूबसूरत सी मार्केट है, बाकी रहने रहने के लिए सब कुछ एक बड़ी राजधानी सिटी के अंदर जो कुछ होता है तो वो है ही है। अभी बन रही है जी अपनी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह से हमने पी ली है और नींद बहुत ज़्यादा लग रही है। भैया को बोल दिया गया अपनी अच्छी सी मीठे स्ट्रॉन्ग वाली बना देना चाय। ठीक है, चाय बनी पीते हैं एंड फिर निकलेंगे कन्याकुमारी की तरफ। इधर से नज़दीक ही रह गया है अभी तो पहले 800 होता था वो भी नज़दीक लगता था, अभी अभी तो 70-80 रह गया, वो भी नज़दीक ही लगता है। मैं वही मतलब है ना, जब हमने गोवा क्रॉस किया था तब 800-900 पता नहीं हज़ार के आसपास था भाई, इतना था, अभी तो 70 ही रह गया सारा। आज देख लो क्या अजीब सा मौसम चढ़ा है, कपड़े हमने धोए हैं, धूप ही नहीं निकली है। एंड ये सामने बना हुआ है जी वैक्स म्यूज़ियम, इधर में बड़े बड़े नामी कलाकारों के वैक्स के पुतले अंदर बनाए हुए हैं। लो भी दोस्तों 20 किलोमीटर बाहर आ गए हैं, कन्याकुमारी की दूरी 70 किलोमीटर रह गई है, होपफुली के कल सुबह तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज रास्ता है जो बड़ा स्टीफ है यार, बड़ी हाइट वाला चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ रोड ख़राब है यार, तो इनकी वजह से ध्यान से देख देख कर ही जाना पड़ रहा है। देखो अभी ये नीचे उतर जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, और टोटली जंगल वाला माहौल है भाई पूरा, चारों चुपेरे, ये हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे 66। गंदे वाली बारिश होने लगी है यार, और तो कोई जगह मिली नहीं आपके भाई को रहने के, रुकने के लिए, तो अपन ने ये एक घर टूटा हुआ था और इसके नीचे ही शेल्टर बना लिया अभी अपनी यार। वाह यार, देसी ट्रैवल, देसी जुगाड़ सही है ना। मेरे को ऐसा था कि आगे कोई ढाबा डूबा होगा, उधर बैठ जाएंगे, भूख लगी है, खा पी भी लेंगे, बट कुछ है ही नहीं यार। खैर फिलहाल जितना टाइम बारिश नहीं रुकती उतना टाइम इधर बैठते हैं और चाय बनाते हैं यार। चाय पीने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक सूप भी है अपने पास जो पड़ा है खाने पीने वाला, जाते जाते ख़त्म कर देना है, घर नहीं वापस लेके जाना कुछ भी, और वो बनाते हैं, वो खाते हैं मज़े से अपना यार। फिलहाल इधर बैठे हैं हम। बड़े टाइम के बाद बारिश रुकी है और अभी जाकर अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू किया है, एंड केरला की सरहद 1-2 किलोमीटर के बाद जाकर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद तमिलनाडु है जो शुरू हो जाएगा, और पता ही नहीं लगा कब केरला ख़त्म हो गया यार। छोटा जे ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट दिन लग गए हमको ठीक है। आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट केरला के अंदर किया था और आज का लंच होगा तमिलनाडु के अंदर अपना। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, नई स्टेट देखते हैं क्या अनुभव करते हैं। केरला से सुना है कि ऐसा तमिलनाडु का खाना पीना बिल्कुल ही अलग है, जाकर अनुभव भी करेंगे हम। आज बढ़िया सी चीज़ दिखी है भैया, 20 रुपए का डालना है यार। वाह यार, पकड़ा है अभी, पकाओ पकाओ इसको यार। ये सामने जो नीचे की जो ओर जा रहा है, ये हाईवे 66 है और तमिलनाडु सीधा इधर में आ जाता है तमिलनाडु का कॉर्नर, बट ये हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी हमको दो ऑप्शन है, या तो ये सामने वाली कोस्टल लाइन लेकर चले जाएं, या फिर इधर से एक बड़ा नेशनल हाईवे है जो वो वाला जाएगा जो सीधा रामेश्वरम जाता है, तो वो वाला लेना पड़ेगा।
तो जो नीचे कोस्टल लाइन वाला जाता है उसकी हाइट है अप डाउन बहुत है हाइट है। तो ये वाला प्लेन है, तो अभी मैं रमेश्वरम वाला ये वाला हाईवे लूँगा सीधा, आगे जाके 66 के अंदर ही मिल जाएगा। फिलहाल ये ले लिया, 20 रुपये की ये दी है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तमिलनाडु के अंदर एंटर होते ही लोटरियाँ वाला जो रुझान है ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जैसे हमने केरला के अंदर एंटर हुए थे तो हमें देखने के लिए मिला था भाई। बड़ा मेरे ख्याल में इधर नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा खेलते हैं यार लोटरी क्या बात है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, जैसे थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम वाली साइड भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं भाई, ऐसी दुकानों पे बिक्री होती हैं। फिलहाल मैं एक नाइस सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ कोई, क्योंकि अपना दिल कर रहा है कि बिरयानी खाएँ हम, तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखेगा मज़े से बैठ कर खाएंगे यार। खा के पक गया हूँ मैं, आज खा लिया सुबह, बस उसके बाद नहीं कभी परौठा खाना यार, खाली पेट चल लूँगा, नहीं मिलेगा तो परौठा नहीं खाना। पर यार मेरे पेट में भी गड़बड़ होने लगी है वो खा कर। खैर कोई बात नहीं, वो बातें बाद में। तमिलनाडु के अंदर एंटर हो चुके हैं, TN नाम की गाड़ियाँ दिखनी लगी हैं। मदुराई इधर की बड़ी सिटी है एक, वो 200-250 किलोमीटर है। अगर हम ये स्ट्रेट रूट लेते हैं तो हमें ऑन द वे रास्ते में पड़ती है, बट हम कन्याकुमारी की तरफ निकल जाएंगे तो हमें वो पड़ेगी ही नहीं। कुछ अच्छा सा मिला नहीं है फिलहाल। कॉर्न वाले सैंडविचेस आ चुके हैं, मज़े से खाते हैं यार इसको। शाम के 6:14 हो चुके हैं और अभी रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जस्ट अभी रेस्टोरेंट से निकला हूँ यार, टाइम ही बहुत लग गया उनका। एंड कल शायद पहुँच जाएंगे यार हम, क्योंकि अभी भी बहुत 50 किलोमीटर के लगभग सफ़र पड़ा है अपना। बारिश जाने ही नहीं दे रही यार, बारिश ही बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से टाइम लग रहा है। अभी भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढते हैं जो ऊपर कहीं छत छुत हो ना, फिर मज़े से अपनी रात गुजर जाएगी। देखते हैं 2-3 किलोमीटर चलते हैं, कहीं पर भी जगह दिखेगी उधर ही लेट जाएंगे रात को। आज अपना बारिश ने भाई पूरा बुरा हाल कर दिया है यार, इतनी गंदी वाली बारिश होने लग रही है ना कि अपने से साइकिल आज चला ही नहीं। 30-35 किलोमीटर सफ़र तय किया है और मैं अभी आ चुका हूँ मर्दन डैम पता नहीं करके ऐसी जगह है, और समय अभी हो चुका है 7:42, और हमें रहने के लिए जगह भी मिल गई है। पीछे मेरे देख सकते हो यार आप, एक रेस्टोरेंट है बड़ा सा, तो उनकी पार्किंग में जगह खाली थी तो अपने को परमिशन मिल गई है। बारिश इतनी गंदी वाली होने लग रही है ना भाई, अभी तक बारिश हो रही है। साइकिल ये खड़ा है, अपना टेंट है जो लग चुका है, सारा सामान हमने सेटल डाउन कर दिया है, कपड़े अपने भीग गए थे अभी सुखाने लगा हुआ हूँ, बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। एंड इधर से कन्याकुमारी की दूरी 40 किलोमीटर रह गई है, तो कल शाम तक हो सकता है कि हम पहुँच जाएँ अगर बारिश ना हुई, क्योंकि अभी 2-3 दिन लगातार बारिश वाला मौसम है जो शो कर रहा है। और अच्छा गया यार आज का दिन अपना, अच्छा निकल गया। थकावट बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सारा ना अपर हिल चल रहा था, डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा था। और कोस्टल लाइन पे कल हम मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, अभी हम मेन हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इधर में मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा यार, ट्रैफिक हो रही है। तो कोस्टल लाइन पे जाएंगे तो उधर से सफ़र तय करेंगे यार अपना सारा, क्योंकि अपना टूर ही सारा कोस्टल लाइन का था। बाकी यार अच्छा गया आज, भगवान जी के दर्शन कर लिए और क्या ही चाहिए, अपना दिन बन गया यार, बाकी तो बातें क्या ही है। एंड ठीक है, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वैसे मैं सैंडविच वगैरह कुछ खाकर आ गया था उधर से, एंड बर्गर भी एक बाद में खा लिया बाकी अगर भूख लगेगी तो इधर अपने पास ही रेस्टोरेंट है, ऑर्डर करके खाना खुना चावल खा ही लेंगे मज़े से। खाना पीना चाहिए यार, इधर तो बाहर घूमते हुए अपने माई बाप खुद ही होते हैं, कौन सा बाहर कोई संभालने वाला होता ना, अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। ठीक है, आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, सुबह मिलते हैं कन्याकुमारी के रास्ते पर। बाय बाय जी।